हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने आया हूँ Lendly.com साइट के बारे में। ये साइट लोन देता है कैसे, है रियल साइट है या फेक साइट है, यहाँ से आपको लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, सब कुछ आपका भाई बात करेगा इस वीडियो में। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो के लास्ट तक जरूर देखना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ओके, चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि देख रहे हो Lendly.com जो साइट है कुछ इस टाइप से ओपन होता है, और यहाँ पे क्या है कि डू यू नीड ए लोन, आपको लोन चाहिए तो आप यहाँ से लोन ले सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है व्हाट डू यू नीड या वगैरह वगैरह, यहाँ पे सरनेम वगैरह आप दे सकते हैं, गेट एंड ऑफर कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे हैं। और यहाँ पे एक चीज़ मुझे मतलब शक की तरह से लगा कि यहाँ पे ये देख लो इतना चीज़ ये एक्सेप्ट करवाता है, आई कंसेंट, इतना बहुत सारे चीज़ यहाँ पे दिखाता है, और इतना कोई नहीं पढ़ता है। बहुत सारे जगह देखे होंगे एक ही बस आपसे एक्सेप्ट करवाता है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे चीज़ एक्सेप्ट करवाता है। यहाँ पे कुछ इस टाइप से ये जो वेबसाइट है कुछ प्रोफेशनल टाइप के वेबसाइट नहीं लग रहा है, लोकल वेबसाइट लग रहा है देखने में। जो लोन वाले एप्स होते हैं या साइट होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम साइट होते हैं, लेकिन यहाँ पे लोकल एप्स लोकल साइट लग रहा है। यहाँ पे अबाउट अस में भी कुछ नहीं दिया गया हुआ है, कस्टमर कॉन्टैक्ट में भी कुछ नहीं दिया गया हुआ है, ज़्यादा कुछ डिटेल्स वगैरह यहाँ पे कस्टमर केयर वगैरह नहीं दिया गया हुआ है। और मान लो कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है लोन लेते टाइम या लोन पे करते टाइम, तो आपको तो भाई कुछ मिलेगा ही नहीं कि कौन हेल्प करेगा कौन हेल्प नहीं करेगा। इस तरह से मैं आपको बता दूं, जहां पे हेल्पलाइन नंबर ना हो, जहां पे कस्टमर केयर अच्छा ना हो, वहां पे लोन लेना नहीं चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि आप एक बार लोन ले लिया और आपसे इंटरेस्ट ले रहा है और आप कोई हेल्प ही नहीं दिया जा रहा है। तो प्लीज़ आप लोग इस बात पे फोकस करना। और मैं आपको बता दूं, आजकल लोन का फ्रॉड बहुत ही ज़्यादा चल रहा है, तो सोच समझ के ही लोन लेना, किस साइड पे लेना है किस साइड पे नहीं लेना है, तो बहुत ही ज़्यादा सोचना समझना है। ओके, बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।